देव सेना, अब तो मॉर्निंग से ज्यादा भीड़ हो रखी है, आप देख सकते हो। हम तो बाहर जा रहे हैं लेकिन अंदर आने वाले यात्री गणों की भीड़ देखो आप। नमस्कार ब्रो सेना, हमारे साथ बने रहना। ये देखिए हम प्रेम मंदिर में आ चुके हैं, पूरा व्यू कितना खूबसूरत है, ध्यान से देखिए। अभी हम आपको पूरे मंदिर के दर्शन कराएंगे। दिल खुश हो। अगर यहाँ पे वृंदावन में कोई जन्नत है तो ये मंदिर है। कितना प्यारा व्यू है। आप सारे ये मंदिर को देख के दर्शन कर सकते हो। मैं भी थोड़ा लड़खड़ा रहा हूँ क्योंकि इसकी खूबसूरती देख के ना थोड़ा मैं अचंभित हूँ। मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं मेरे ब्रो सेना, साथ बने रहना। भाई लोग ये प्रेम मंदिर में दिन में लाइटिंग जल रही है, रात को इनकी यहाँ की बड़ी अच्छी लाइटिंग होती है। यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी मुश्किल से बना रहे हैं जितना हो सकता है। वीडियो रोक के खुद देख लेना, पढ़ लेना। चल चैनल चला रहे हैं और खुद वीडियो में ये लाते वो लाते सब लाते। वैसे भी जा रही है यार, देखिए गांव का माहौल मस्त मजे आ रहे हैं। थोड़ी करने के देव सेना मात्र कुछ घंटों में गीता समझे और सोचे हिंदू बने। यहाँ पे इन्होंने कुछ अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है, देखना पड़ेगा। आप भी सर्च मार के देख सकते हो गूगल पे। ये सब भाई लोग यहाँ पे ये समझाते हैं। ये देखो भाई आप चार को नंबर दे दो। ये अपना यहाँ पे गोवर्धन मंदिर है।
स्टार है। मथुरा की मार्केट है जी, पहुंची है मथुरा में, एंटर कर गए हैं। 1 किलोमीटर रह गया बस। बढ़िया मार्केट बना रखी है मथुरा की। ये पहुंच गए हैं जी कृष्ण जी की जन्मभूमि पे, वो दिख रहा है आपको गेट। अंदर एंट्री किया है अभी। दोनों साइड मार्केट लगी हुई है, भीड़ भी काफी ज्यादा हो रखी है। पुलिस वाले सर भी घूम रहे हैं इधर थोड़े सिक्योरिटी के लिए। यहाँ मथुरा आए हैं जन्मभूमि कृष्ण जी की। यहाँ मंदिर में घुसने जा रहे हैं पर यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हमें अंदर जाने नहीं दे रही, तो ये आप मंदिर बार बार से देख सकते हो। मंदिर बहुत खूबसूरत है, बाकी हम आपको आगे दिखाएंगे। फोन्स यहाँ अलाउड नहीं है, फोन्स इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स यहाँ पे कुछ भी आप अंदर लेके नहीं जा सकते हो। और इलेक्ट्रॉनिक वॉच, ब्लूटूथ, अपना कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हो जब भी आओ, वो भी अलाउड नहीं है। सामान सारा संभाल के लाना, जा कोई ऐसे लॉकर में रख सकते हो, वगैरह लेके आना या लॉकर पे इधर रख सकते हो। सारी सुविधा है इधर उपलब्ध। प्रति दो भाई फोन लॉकर्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे हम ये रख सकते हैं सामान। चलो सोनू भाई फोन। हेलो मेरे ब्रो सेना, हमेशा हमारे साथ बने रहना। हम अभी मंदिर के बाहर आ गए हैं और आप देखो अभी भी लोग अंदर जा रहे हैं, कुछ कुछ बाहर आ रहे हैं, तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। फ़ोन वगैरह हमें कुछ भी नहीं ले जाने दिया, पर सही बताऊँ तो अच्छा किया कि फ़ोन नहीं ले जाने दिया, क्योंकि इसी कारण हम अंदर अच्छा एक्सपीरियंस ले पाए। कान्हा जी की पूरी स्टोरी देखी हमने, बहुत कुछ देखा अंदर। आप कभी आओगे तो विज़िट ज़रूर करना मथुरा, उनकी जन्मभूमि। ब्रो से ना सर्दी तो बहुत ज़्यादा हो रखी है, कोल्ड भी सबको हो गया है, पर पियेंगे ये कोल्ड कॉफ़ी सारे। गर्म है यार, पूरी कॉफी बावली भूच हो गए हैं सारे। अब पी रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी ब्रो से ना, थोड़ी थोड़ी। We'll be right back.
देव सेना, हम बड़े लेट हो गए बसाना मंदिर में पहुंचने के लिए, 7 बज गए हैं और मंदिर करीब करीब 8 बजे तक ही खुला रहेगा, तो हम दर्शन करने जा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि आपको भी दर्शन करा दें। श्री राधे राधे। ठंड भी बहुत हो गई है यहाँ पे, रास्ता थोड़ा ख़राब था, इस चक्कर में लेट हो गए हैं। देव सेना देख के बरसाना मंदिर से नीचे की तरफ का सुंदर नजारा, बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से। राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे, बरसाने वाली राधे। हमारे दर्शन हो गए हैं यहाँ पे बरसाना में राधा रानी माता के अच्छे से। अभी हम जा रहे हैं बाहर की तरफ वापस। देव सेना अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहाँ से राधा रानी कुएं में से पानी भरते थे, ये वो कुंड है, यहाँ से राधा रानी जी आप पानी भराते थे। जय श्री राधा रानी की। नमस्कार प्रभु की सेना, हमारे साथ बने रहना। ये हम पूरा दिन ट्रैवल करने के बाद ना सोया ना कुछ ज़्यादा खाया, अब रात को इधर मंदिर आए हैं। ये आप देखो ध्यान से, कीर्ति मंदिर ये बंद हो गया, हम लेट हो गए हैं काफ़ी, पूरा मंदिर बंद हो गया। ये पूरा व्यू देखो आप, ये बंदा है जो हमसे बुलवाता रहता है, इसकी वीडियो डलती है, इसके मुंह के अंदर कैमरा डाल देता हूँ।